फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट हाउस और ट्वेल्थ हाउस में मंगल की उपस्थिति, मतलब मंगल ये पांच स्थान में कभी भी मंगल आता है तो यहां मंगल दोष होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन और विद्यावर्सी साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है मंगल दोष के ऊपर। अगला वीडियो जो हमारा बना था मंगल दोष के ऊपर उसका ये दूसरा भाग है। आज का वीडियो हमको बनाने की ज़रूरत पड़ गई कि कई लोगों के हमारे पे कॉल आए कि सर मंगल दोष होने से क्या सही में मैरिज लाइफ ख़राब हो जाती है या मैरिज लाइफ टूट जाती है या कोई और प्रॉब्लम आते, तो इसीलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आज का वीडियो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई मंगल दोष है तो क्या उसका मैरिज लाइफ ख़राब होता है। तो मैं कुछ हमारे देश के सेलिब्रिटी है उनका वीडियो में, उनका कुंडली मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ और वो कुंडली के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। हम लोग कुंडली का या उनका भविष्य का या उनका भूतकाल का कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। हम मंगल का उनके जीवन में क्या प्रभाव है और क्या प्रभाव पड़ रहा है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग तो दोस्तों पहली कुंडली मैं आपके सामने लेके आया हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे देश के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी, इम्पोर्टेंट से सर आज इनका कुंडली भी हमको बात करना पड़ेगा क्योंकि उनकी कुंडली में भी मंगल दोष है और आज हमारे देश के लीडर नहीं दुनिया के भी लीडर बनने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट से ये कुंडली लेना मेरे लिए ज़रूरी समझा मैंने। तो दोस्तों जैसे ही हमने अगली बार आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया, जब भी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट हाउस और ट्वेल्थ हाउस में मंगल की उपस्थिति, मतलब मंगल ये पांच स्थान में कभी भी मंगल आता है तो यहाँ मंगल दोष होता है। तो हम देखेंगे कुंडली कुंडली में, अभी आप बोलोगे यहाँ एक लिखा है और यहाँ आठ क्या लिखा है, तो ये जो ए पहला है वो हाउस है, मतलब ये हाउस फिक्स है, हाउस कभी रोटेट नहीं होते। तो ये पहला आपके किसी भी कुंडली में ये जो फर्स्ट हाउस है वो पहला हाउस है, लेकिन उसके अंदर जो ये राशि लिखा गया है, ये अंक लिखा गया आठ, वो उनका लग्न है, वो राशि है, मतलब ये आठवीं राशि वृश्चिक राशि है। तो पहले स्थान में मंगल दोष होने से इनको मंगल दोष है ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पे एक और नियम लागू पड़ेगा। हमने एक नियम आपको बताया था कि मंगल अगर 1, 4, 7, 8, 12 में हो तो मंगल दोष लगता है, लेकिन अगर मंगल जल तत्व की राशि में हो, मंगल जल तत्व वाटर एलिमेंट की राशि में हो तो यहाँ मंगल दोषी, जो मंगल का गुस्सा है वो अग्रेसिव है, तो पानी क्या करेगा, आग को पानी क्या करेगा, थोड़ा ठंडा करेगा, थोड़ा स्लो करेगा। तो यहाँ मंगल की जो पावरफुल क्वालिटी है उसको पानी क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, मतलब थोड़ा स्लो कर रहा है। तो यहाँ मंगल वृश्चिक राशि में है, देखिए, तो यहाँ मंगल दोष है लेकिन यहाँ मंगल दोष परिहार है, मतलब मंगल दोष यहाँ नहीं लगता है। तो ये कुंडली में मांगलिक नहीं बोल सकता, मंगल है एक साल में लेकिन यहाँ वृश्चिक राशि में आ गया, तो उसने क्या कर दिया, जो गर्म गोला है उसके ऊपर हम पानी के छिटक डालेंगे तो गोला थोड़ा मीडियम ठंडा होगा। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी थोड़े ठंडे हैं। देखो कभी भी नरेंद्र मोदी ने कोई भी बात हो अग्रेसिव में आके, गुस्से में आके या मारफाड़ वाली बात कभी नहीं की, कभी नहीं की। वो कोई भी बात ध्यान से सुनने के बाद आराम से अंदर स्टडी करके उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं, मतलब कोई भी नियम वो ऐसे नहीं लगा देते। तो यहाँ मंगल की क्वालिटी, मंगल प्रधान व्यक्ति है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनका मंगल खराब है, मंगल प्रधान व्यक्ति है इसीलिए वो लीडर बने। मंगल की क्वालिटी मैंने क्या बोला, मंगल अच्छा हो आदमी वो लीडर बनेगा, साहसी बनेगा, लीडर बनेगा। तो ऑलरेडी ये साहसी है, लीडर है और लीडर भी है। तो इसीलिए ये कुंडली मैंने आपको पहले दिखाने का कारण कि भाई मंगल लग्न में हो लेकिन अगर वो बैलेंस हो तो ऐसे आदमी लीडर बनते हैं, लेकिन यही मंगल अगर यहाँ राशि कुछ अलग होती तो ये नेता बन जाते, लेकिन क्रूर नेता बन जाते। जैसे आप दक्षिण कोरिया है, जैसे आप चीन है, वहाँ के जो लीडर है मतलब वो क्रूर है, शासन मतलब वो जो कहेंगे वही चलेगा, लेकिन यहाँ क्रूर नहीं है, यहाँ जो मंगल है वो बैलेंस हो गया इसीलिए ये लीडर भी बन गए और मंगल दोष का यहाँ परिहार होता है, मंगल दोष नहीं लगता। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और बोल सकते हैं, भाई मंगल की सातवीं दृष्टि उनके विवाह स्थान पे पड़ती है, ये विवाह स्थान पे सातवीं दृष्टि पड़ती है, तो क्या तुमको विवाह का जो मैरिज का पत्नी का जो सुख मिलना चाहिए वो कम मिला या कम मिला, या बोल सकते हैं थोड़ा मिला नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन देखो उनका डिवोर्स नहीं हुआ है,
आज तो कोई मीडिया में आप देखोगे उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहे, तो मतलब पत्नी सुख नहीं है, लेकिन पत्नी को उनको कोई मार के झगड़ा करके या कुछ लफड़े करके नहीं छोड़ा है, उनको देश की सेवा करनी थी इसीलिए वो अपना घर छोड़ के गए, बराबर है। तो ये आपने कुंडली देखा। नेक्स्ट कुंडली हम जाएंगे स्वामी विवेकानंद, इनको सबको जानते हैं, तो इनकी कुंडली भी, ये कुंडली आपको यहाँ दिखी गई है, वहाँ पे ये फर्स्ट हाउस है, मैं वापस लिख रहा हूँ, 1, 4, 7, 8 और 12 में जब भी मंगल आएगा मंगल दोष होगा, तो यहाँ 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है, तो हाँ मंगल की उपस्थिति चौथे स्थान में है, तो इसका मतलब होता है कि भाई यहाँ मंगल दोष है, इनको मंगल दोष है। लेकिन यहाँ पे वापस दूसरा नियम लग जाता है कि मंगल जब भी चर तत्व की राशि में, ये एक नंबर है वो मेष राशि है, एक नंबर की राशि जो होती है वो मेष राशि है, तो हमारा दूसरा नियम कि मंगल अगर चर तत्व की राशि में आएगा तो मंगल दोष परिहार हो जाए, मतलब यहाँ मंगल चलित हो जाएगा, मतलब उतना अग्रेसिव नहीं रहेगा, वहाँ चलता फिरता मंगल है चलित, तो वहाँ इतने अग्रेसिव है स्वामी विवेकानंद शांत आदमी नहीं थे, संत आदमी, वो अग्रेसिव थे, मतलब अपनी बात को रखने वाले, निडर, साहसी थे, तो मंगल की क्वालिटी थी, लेकिन यहाँ मंगल क्रूर नहीं था, मतलब वो ऐसा, मतलब कहीं भी गुस्सा करने वाले, मारफाड़ करने वाले ऐसे नहीं थे, तो यहाँ मंगल बैलेंस हो जाता है। और स्वामी विवेकानंद को सब कुछ जानते हैं, अब हमारे शास्त्र में, आप हमारे कई सारी किताब में विवेकानंद के बारे में पूरी आत्मकथा लिखी है, आप पढ़ सकते हो। वो क्रूर नहीं थे, लेकिन मंगल, उनकी मंगल की क्वालिटी साहसी निडर वो थे। तीसरी कुंडली हमारे बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय की कुंडली है, ऐश्वर्या राय को सबको ही जानते हैं, सुंदरता में एक नंबर है, तो उसकी कुंडली भी है, तो वापस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1, 4, 7, 8, 12 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल की उपस्थिति है तो मंगल दोष वहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 में नहीं है 4 में नहीं है लेकिन 7 में मंगल है, तो यहाँ मंगल दोष लगता है। लेकिन वही हमारा दूसरा नियम हम वापस यहाँ लगा दें, अगर मंगल चर तत्व की राशि में 1, 4, 7, 10 मतलब मेष, कर्क, तुला या मकर राशि में अगर मंगल होगा तो वहाँ मंगल दोष परिहार होता है, क्योंकि मंगल यहाँ चलित हो गया, मतलब अग्रेसिव नहीं, एक जगह पे अड़ा नहीं रहेगा, नहीं मैं तो उसको मारूंगा, यहाँ चलित हो गया, मतलब उसके अंदर मंगल की क्वालिटी है लेकिन वो चलित है, इतना मंगल क्रूर नहीं होता है, तो यहाँ मंगल की क्वालिटी है, आप देखोगे ऑलरेडी साहसी थे, निडर थी, बहुत करोड़ों रुपये कमाए उन्हें, हाँ मैरिज थोड़ा 7वें स्थान में मंगल आने से मैरिज थोड़े लेट हुए, लेकिन उनका मैरिज लाइफ भी खराब नहीं है, ऑलरेडी अभिषेक बच्चन के साथ उनका मैरिज है और डिवोर्स नहीं हुआ है, तो यहाँ मंगल ने उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा पद सब कुछ दिया है दोस्तों। नेक्स्ट कुंडली में हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट कुंडली है बिपिन रावत, ये कुंडली मैंने रखी, थोड़ा इसके लिए मुझे खेद भी है कि अगले साल किसी विमान दुर्घटना में वो शहीद हो गए, तो ऐसे बहुत महान पराक्रमी लोग को हमने हमारे यहाँ से चले गए, तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन आज उनकी कुंडली रखने से मुझे गर्व भी होता है कि ऐसे आदमी की हमारे सेना में ज़रूरत है दोस्तों। तो यहाँ भी मंगल दोष की क्वालिटी हम देखेंगे कि भाई 1, 4, 7, 8 और 12 में अगर मंगल की उपस्थिति होगी, आप अपनी कुंडली में भी, अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो तो अपनी कुंडली में भी आप देख सकते हो कि भाई 1, 4, 7, 8, 12 हाउस सेम है, अगर मंगल की उपस्थिति है तो वहाँ मंगल दोष लगता है, तो हम यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में नहीं है, फोर्थ हाउस में नहीं है, 7th हाउस में मंगल है, हाँ 7th हाउस में मंगल है, तो मंगल दोष यहाँ पे है, तो क्या ये हिटलर थे या क्रूर थे? ना नहीं, क्यों क्रूर नहीं है? क्योंकि यहाँ देखो मंगल, यहाँ एरो बनाया हुआ है, एरो मंगल मकर राशि के अंदर उच्च का होता है, देखो अभी यहाँ एक, ये तीनों कुंडली देखी, इसमें से ये कुंडली अलग है, जानबूझ के मैंने ये कुंडली, यहाँ मंगल उच्च का है, मतलब यहाँ मंगल कैसा हो गया, एकदम सिस्टमेटिक, मंगल पावरफुल तो है लेकिन यहाँ सिस्टमेटिक उच्च का हो गया, मतलब अपनी उच्च की पोजिशन पर आ गया, तो ऑलरेडी उनको पद दिया गया था, हमारे तीनों जो हमारी आर्मी है उसका हेड बनाया गया था, तो ऑलरेडी मंगल उच्च का है, मंगल दोष है, लेकिन हमारे यहाँ तीसरा नियम लगता है, मंगल अगर उच्च का या नीच का होगा तो मंगल दोष परिहार हो जाएगा, मंगल, तो यहाँ मंगल उच्च का है तो यहाँ मंगल दोष परिहार हो गया,
ऑलरेडी उनका मैरिज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, दुर्घटनावश उनका डेथ हुआ तब उसकी पत्नी भी उनके साथ ही थी और उतनी पत्नी की भी डेथ हो गई, दोनों साथ में गए। लेकिन यहाँ मंगल दोष सातवें स्थान में, मंगल उच्च का है तो यहाँ मंगल दोष नहीं लगता, लेकिन इसके अंदर मंगल की पूर्ण क्वालिटी थी। लेकिन ये क्वालिटी कैसी थी, देखो नरेंद्र मोडीसी भी वेरियंट थी, ये ऑलरेडी पृथ्वी तत्व राशि में था तो बैलेंस था, एक सिस्टमेटिक था, एक मतलब एक पावरफुल एक लीडर था, तो ये भी एक लीडर बने तो मंगल की क्वालिटी इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं। और दोस्तों आज के तारीख में हमको ऐसे ही आदमी की जरूरत है। हम नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो है बॉलीवुड के सुपरस्टार बादशाह शाहरुख खान, इनको सब कोई जानते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि उसकी कुंडली में क्या है। तो हम वापस नियम लगाएंगे, 1, 4, 7, 8 और 12, 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल की उपस्थिति हो तो यहाँ मंगल दोष लगता है। हम देखेंगे 1 में नहीं है 4 में, हाँ यहाँ पे मंगल है 4th हाउस में, यहाँ पे मंगल है दोस्तों, उसका मतलब है शाहरुख खान को भी मंगल दोष है। लेकिन यहाँ पे वापस यहाँ कौन सी राशि में है, यहाँ वृश्चिक राशि में जल तत्व की राशि है, यहाँ ये जो राशि है वो जल तत्व की राशि है, तो यहाँ मंगल दोष, मंगल का पहला नियम के मंगल अगर जल तत्व राशि में आएगा तो मंगल दोष का परिहार हो जाएगा, मंगल दोष थोड़ा शांत हो जाएगा। तो ऑलरेडी मंगल यहाँ वृश्चिक राशि के आने में से बैलेंस हो गया थोड़ा, तो ऑलरेडी प्राण मान प्रतिष्ठा पद सब कुछ मिला, लेकिन यहाँ मंगल दोष नहीं लगता और उसकी मैरिज लाइफ भी हैप्पी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गौरी खान के साथ उसकी शादी हुई थी और उसको आज तक मैरिज में प्रॉब्लम नहीं आया। देखिए और हम आगे जाना चाहते हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हम कुंडली का प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम उनकी लाइफ का प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, हम उनके जीवन में 9 प्लैनेट में से मंगल दोष, हमारा जो मेन टॉपिक है मंगल दोष के ऊपर, कि भाई मंगल दोष का उनके जीवन में क्या मैरिज लाइफ में या दूसरी कोई तरह से प्रभाव है कि नहीं है। जैसे हमारा आगे आपने देखा कि हमारा जो विषय था, मेन विषय था मंगल दोष है या वरदान। अभी आप देखिए लोग मंगल के बारे में कि भाई मंगल दोष हो जाएगा तो आपको वो पीपल के पेड़ के साथ शादी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, आपका विवाह टूट जाएगा, ये करना पड़ेगा, बहुत सारी भ्रांतियाँ है। और मेरे पास भी जब भी एक एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरे पास कोई आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या रहता है, भाई लड़का देखो ना मांगलिक है कि नहीं है, भाई क्यों, भाई ये मंगल होना चाहिए, मंगल लोग बोलते हैं मंगल वाले से मैरिज टूट जाता है, ये हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। तो आज का जो अभी का ये दूसरा पार्ट है वीडियो, वो वीडियो इसलिए था कि मंगल दोष है या वरदान, तो नहीं, मंगल दोष अगर सही पोजिशन में आ जाए तो वरदान के रूप में आपको मंगल मान प्रतिष्ठा पद और सब कुछ देगा, पैसा भी देगा, सब कुछ फेम भी देगा। तो अगर मंगल दोष है लेकिन अगर उसकी पोजीशन सही होगी तो मंगल दोष आपको सक्सेस भी देंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो है, मंगल दोष है या वरदान। दोस्तों आप नक्की कीजिए कि ये कुंडली मैंने दिखाई, ऐसी बहुत सारी कुंडली मैं दिखा सकता हूँ आपको, बहुत सारी नहीं हज़ारों कुंडली दे सकता हूँ जिसमें मंगल दोष है लेकिन उसकी मैरिज लाइफ हैप्पी है। हाँ मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि मंगल दोष होगा उनकी मैरिज लाइफ खराब होगी कि नहीं होगी, नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आ रहा है वो मंगल दोष के कारण उनके जो मैरिज लाइफ में उनके जीवन में जो प्रभाव है उसका भी वीडियो मैं ला रहा हूँ। तो दोनों है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी है और कुछ पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ से देखेंगे। तो आज का वीडियो आपने देखा कि मंगल दोष है या वरदान, तो मंगल कई जगह पे वरदान के रूप में भी देखा गया है। दोस्तों इसके ये वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कॉल करके हमारे बात कर सकते हो। और आप यही अगर हम जो एस्ट्रोलॉजी करते हो प्रैक्टिकल और टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल और टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु आपको सीखना है तो आप हमें 3D एनर्जी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के ऊपर से फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा और नीचे दिए गए नंबर से भी आप कॉल करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हो दोस्तों। हाँ दोस्तों अभी आपने जैसे ही हमारा अगला वीडियो आया था उसमें कमेंट तो किया था लेकिन कई 5 से 7 लोगों ने हमको कॉल करके बताया था कि आप मंगल दोष से विवाह टूट ही जाता है कि नहीं टूटता है, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों देखो आपका कमेंट और आपका कॉल हमको कुछ मोटिवेट करता है, तो जब भी आपको
कुछ ऐसा क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली हमें बात कर सकते हो और हमको ऐसे ही मोटिवेशन मिले, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल 3D एनर्जी सॉल्यूशन और एक नई यूट्यूब चैनल हमने बनाई है, वो भी धीरे धीरे डेवलप होगी, वेदर्स वर्सेस साइंस, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमेंट और लाइक कीजिए ताकि हमको और वीडियो बनाने में मज़ा आए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।